फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक बुक बाय मोहिनी। तो आज हम बनाएंगे अपने घर पे ही गुड़, ये सब चीज़ें डाल के, तो गुड़ या गुड़ की गच्चक बनाएंगे हम। इसमें हम डाल दिए हैं ये काले तिल, और ये साथ में हम डालेंगे बहुत सारे सफ़ेद तिल, और हम इसमें डालेंगे मूँगफली। और ये है हमारे पास बिल्कुल प्योर गुड़, और ये गुड़ थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है, अगर चाहिए होगा तो हम ये वाला गुड़ भी यूज़ करेंगे। तो चलिए, ये सब चीज़ें डाल के हम बना रहे हैं गुड़, तो बनाने का प्रोसेस करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई को गैस के ऊपर रख लिए, तो इसमें अब हम डाल रहे हैं पहले अपने ब्लैक तिल। तो काले तिल है, इसको हम भूनेंगे जब तक ये चटक चटक इससे आवाज़ नहीं आने लग जाती तब तक। तो इनको अच्छे से भून के फिर हम अपने दूसरे वाइट तिल को भी भूनेंगे, तो एक दो मिनट लगेंगे इनको भूनने में। तो तिलों में इसे ना चटक चटक की आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई है, इसका मतलब है ये वाले तिल हमारे भून गए हैं। हमने इनको इनसे ज़्यादा नहीं करना। चलिए, इनको बाहर निकालते हैं और दूसरे वाइट तिल भूनने स्टार्ट करते हैं। तो ब्लैक वाले तिल को हमने एक प्लेट में फैला दिया, तो जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे तब हम इनको मिक्सर जार में एक दो चक्कर लगवाएंगे। और वाइट तिल को भूनना कर रहे हैं स्टार्ट। तो सफ़ेद तिल भी हमारे हो गए हैं, अब हम इनको भी बाहर निकालेंगे एक प्लेट में, और मूंगफली का भी हम थोड़ा मॉइस्चर खत्म कर देंगे गर्म करके। अब हम डाल देंगे मूंगफली। मूंगफली ऑलरेडी हमारी भुनी हुई है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे ताकि जो अगर इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी हो तो वो निकल जाए। ये ऑलरेडी रोस्टेड ही है। तब तक हमारे ये वाइट तिल, मूंगफली और ये काले तिल हमारे ठंडे होते हैं, क्योंकि इनको हमने अभी अभी हल्का सा रोस्ट किया है। तो तब तक हम एक और काम कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैंने ये अपने पास नारियल की गिरी रखी हुई है, तो इसको हम अपने कद्दूकस से कद्दूकस कर रहे हैं। नारियल को हमने ग्रेट कर लिए। सबसे पहले हम मिक्सर जार में अपने काले तिलों को पीस रहे हैं। देखिए, ब्लैक तिल हमारे अच्छे से पिस गए हैं, तो इसको हम एक कटोरी में निकाल रहे हैं। तो ऐसे ही हम अपने वाइट तिल को भी पीस लेंगे। तिल जो है इसको हमने पीस लिया, तो अब हम पीस रहे हैं अपने वाइट तिल। देखिए, वाइट तिल को भी हमने अच्छे से पीस लिए। तिलों को पीसना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तो गर्म करने से इनमें से जो तेल हल्का हल्का बाहर निकल जाता है और इनकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है, दूसरा ये डाइजेस्ट करने में भी हमें ज़्यादा ईजी होगा और इसका बेनिफिट भी हमें तभी मिलेगा जब हम इसको पीस कर खाएंगे। हम पीस रहे हैं अपनी मूँगफली को। मूँगफली को भी हमने पीस लिया है, इसको मैंने थोड़ा सा मोटा ही रखा है। तो ये तीनों चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं पीसने के बाद, काले तिल, वाइट तिल और मूंगफली। तो घी हमारा मेल्ट हो गया, एक टेबलस्पून हमने इसमें देसी घी डाला है अपनी कढ़ाई में। तो अब हम इसमें धीरे धीरे करके गुड़ डाल देंगे, और साथ ही में हम इसको हिलाते भी रहेंगे गुड़ को, ताकि जो गुड़ है इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो फ्लेम हमने ज़्यादा हाई नहीं करनी, कम फ्लेम के ऊपर ही हम इसको मेल्ट करने वाले हैं गुड़ को। तो सारा गुड़ ऐसे करके हम धीरे धीरे करके इसमें डाल दें। ये मैंने सारा ही गुड़ डाल दिया है इसमें, तो हाफ केजी के आसपास ये वाला गुड़ है टोटल। तो इसको लो फ्लेम के ऊपर हमने करना है मेल्ट। तो जब ये पूरा मेल्ट हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो गुड़ हमारा धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको मेल्ट करना है। तो गुड़ को आपने कंटिन्यूसली हिलाना है और ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा। देखो, गुड़ एकदम मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। तो गुड़ बहुत जल्दी मेल्ट होता है जब भी हम इसको गर्म करते हैं, इसी कारण गर्मियों में जो गुड़ हमारा ढीला पड़ जाता है, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर वैसे रूम टेम्परेचर ही ज़्यादा होता है,
तो ये देखिए गुड़ एकदम मलाई जैसा बनना स्टार्ट हो गया। तो जब इसकी अंदर की कोई भी लम्स नहीं रहेंगे, कोई डली नहीं रहेगी इसके अंदर, तब तक हमने इसको अच्छे से मेल्ट करना है। हम इसमें डाल रहे हैं 1 पिंच मीठा सोडा, तो ये खाने वाला सोडा है वो हमने इसमें डाल दिया ताकि जो गुड़ है हमारा लाइट हो जाए। और भी ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया और ये वैसे भी फ्लफी हो गया। तो अब हम इसमें डालेंगे अपना बाकी सारा सामान जो हमने बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम अपनी गैस को ऑफ कर रहे हैं क्योंकि गुड़ हमारा रेडी हो गया। तो अब हम डाल रहे हैं इसमें वाइट तिल। वाइट तिल हिला के हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसी के साथ ही हम डाल देंगे अपने काले तिल। हिलाने में इसको थोड़ा जोर लगेगा। गैस को हमने तिल डाल के फिर से ऑन कर दिए क्योंकि गुड़ एकदम से ठंडा हो गया तिल डालने के बाद। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें डाल रहे हैं अपनी मूंगफली। तो मूंगफली डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करें और इसके साथ ही हम ये डाल देंगे इसमें अपना नारियल जिसको हमने अभी ग्रेट किया था, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और देखते हैं इसके हम लड्डू टाइप बनाएंगे ताकि खाने में भी इजी हो जाए। तो इसको ऐसे मुट्ठी बांध के देख सकते हैं कि बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो बन जाएगा ये आराम से। ये देखो तो ऐसे हम इसके लड्डू बना के रख लेंगे और ये वाला गुड़ आप खाना खाने के बाद खा सकते हो। जब मर्जी आपका मीठा खाने का मन करे तब आप ये वाला खा सकते हो। तो ये देखिए ऐसे करके हमारे लड्डू बन जाएंगे। तो गैस को हम अभी बंद ही कर देंगे तो फटाफट इसको लड्डू बनाने पड़ेंगे इसके स्पीड से ही, अदरवाइज ये फिर से जम जाएगा। तो गर्म गर्म के ही इसके ऐसे करके लड्डू बनाने पड़ते हैं। एक थाली को हमने देसी घी लगा के ग्रीस कर दिए। तो इसके ऊपर हम ये सारा मिक्सचर अभी अपना डाल देंगे और ऊपर से हम इसको दबा के रख देंगे, फिर इसकी अपनी अभी टुकड़ियां टाइप बन जाएंगी क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं डाला। अगर हम पानी डालेंगे ना तो ये वाला मिक्सचर है हमारा खराब हो जाएगा। तो इसको आप एज पंजीरी टाइप भी खा सकते हो जैसे आपका मन करे। ऊपर से हम इसको दबा के रखेंगे। हमने अपना सारा मिक्सचर है ना एक थाली में डाल दिया जिसको हमने ग्रीस किया था। तो ऊपर से हम इसको हल्के हल्के एक और प्लेट के की हेल्प से प्रेस कर रहे हैं। तो होपफुली तो ये बन जाएगी, आपस में जुड़ जाएगा। अगर नहीं भी जुड़ेगा तो ये एज इट इज़ भी खाने में पूरा टेस्टी होगा। तो इसको ठंडा होने देते हैं फिर देखते हैं क्या बनता है। तो चलिए आपको थोड़ी देर के बाद दिखाएंगे। तो अपने गच्चे को चेक कर रहे हैं तो ये देखो काफ़ी ज़्यादा हमारी हार्ड हो गई है। तो साइडों से हो सकता है ना ज़्यादा ना जमी हो क्योंकि हमने इसमें ना कोई चाशनी वगैरह बनाकर नहीं डाली है। तो बहुत ज़्यादा मीठा खाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने वही डिसाइड किया कि अगर ये एज इट इज़ जम गई तो ठीक है, नहीं तो एज पंजीरी भी इसको खा सकते हैं। तो चलिए एक मैंने न्यूज़पेपर के ऊपर एक वाइट कलर का कपड़ा बिछा लिया है तो इसको इसके ऊपर उल्टा करके देखते हैं। तो निकाल के देखते हैं कि कैसी है ये। तो घर में बनी हुई चीज़ें मार्केट में बनी हुई चीज़ों से 100 गुना ज़्यादा बेहतर होती हैं। तो बेशक ये प्रॉपर गच्चे का टाइप नहीं बनी है लेकिन हम इसको कटोरी में डाल के खा सकते हैं, जैसे मर्जी हम इसको खा सकते हैं। तो इसको हम एक डब्बे में भर के रख लेंगे और इसको हम करेंगे एंजॉय। तो आप भी ट्राई कीजिए। पानी हमने इसलिए नहीं डाला ताकि इसको फिर बाद में फंगस लग जाएगी गुड़ को अगर हम इसमें पानी डाल के बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा दिनों तक चल जाएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी नई
वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।